ओके सो हाय गाइस, वेलकम टू अवर एकेडमी नीट। आई होप आप क्लियरली ऑडिबल एंड सब कुछ एकदम परफेक्ट है। इसी के साथ डिड यू मिस द क्लास यस्टरडे? मोर कॉन्सेप्ट, बहुत ही आपका ये इंटरेस्टिंग सा यूनिट यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है। हाँ जी, तो मोर कॉन्सेप्ट आपका ये बहुत ही मजेदार सा यूनिट, और इनफैक्ट दिस इज लाइक वन ऑफ द फाउंडेशन यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री का। ये हमने आपका जस्ट डे बिफोर यस्टरडे स्टार्ट किया था ऑन यूट्यूब, और ऐसा पूरा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो हाउ इज द जोश फॉर टुडे? आई मीन आज आपका सेकेंड लेक्चर है यार, कैन सी सम गुड जोश हियर इन द चैट सेक्शन? फटाफट से शेयर कर दीजिए सेशन को अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर आज भी हमें बहुत मजा आने वाला है। एंड इन फैक्ट इन ट्रू सेंस आज आपका ये यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताती हूँ, देखो यार, आज का जो आपका सेशन है यहाँ पर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, बट सबसे पहले जान लेते हैं कि आज के सेशन में क्या होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, मतलब कि आप पूरे केमिस्ट्री में, आई मीन पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में बार 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 आपके सामने आएगा ये कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। अलग अलग तरीके से कैसे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है ये हम सीखेंगे, साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे किसी भी स्पीशीज के अंदर, अगर उसका वेट गिवन है या वॉल्यूम गिवन है, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब कुछ हम आज के क्लास में सीखने वाले हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ज्यादा करकर चांसेस है कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाए। एंड इनफैक्ट आगे भी जितनी बातें आप पढ़ेंगे वो आपको तभी समझ आएंगी जब आपने इसको एकदम बढ़िया से किया हो, है ना। सो इसका मतलब आकांक्षा आज ये जो क्लास लेने जा रही है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक स्टूडेंट ने जो यहाँ पर मुझे लाइव देख रहा है, इसको क्लास ओवर होने के बाद मेक श्योर कि आप इसको प्रैक्टिस करें। कल के स्पेशल क्लास में आपका प्रैक्टिस सेशन भी होगा, जहां पर ऑन द सेम टॉपिक हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आज आपको डीपीपी भी मिल जाएगा, है ना। मतलब कि देखिए, ध्यान रखिए, कल आपकी स्पेशल क्लास होगी, कल हमारी स्पेशल क्लास हो जाएगी जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहां पर आपका डीपीपी नंबर 2 का डिस्कशन होगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट आपका, मतलब प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट मैं कवर करा चुकी हूँ कल के स्पेशल क्लास में। कल वापस से एक स्पेशल क्लास हो जाएगी जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे साथ, ठीक है। स्पेशल क्लास फ्री क्लास होती है, हर एक स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इट इज अ फ्री क्लास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, है ना। और क्या क्या क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले, सो दैट आप पहले से खुद से उसमें अपना प्रैक्टिस कर आए, मैं आप लोगों के साथ पहले ही क्वेश्चन शेयर कर दूंगी। सो आज क्लास ओवर होने के बाद जब भी आपको सही लगता है, कल के क्लास से पहले, कल के स्पेशल क्लास से पहले आपको वो डीपीपी सॉल्व कर आना है। देखो यार, आप लोग अपनी तरफ से कंसिस्टेंसी, सही एफर्ट्स रखेंगे तो फिर तो मजा आ जाएगा, मुझे भी बहुत मजा आएगा और आपको भी, और आपको किसी दिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात यार, आज, हाँ जी, आज रात 10 बजे, ठीक है, तो अभी जो थोड़ी देर बाद 10 बजने वाले हैं, वहां पर मैं और आप ऐसा इंटरैक्ट कर पाएंगे। देखो यार, तुम लोग तो वैसे मेरे को देख ही पाते हो डेली, है ना, बट आई एम आल्सो एबल टू इंटरैक्ट विद यू दिस वे, यानी कि हम लोग जूम सेशन पर आपका ये एक इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है, काउंसलिंग सेशन होगा। आपको कोई भी दिक्कत लग रही है केमिस्ट्री से रिलेटेड, अपने प्रेपरेशन से रिलेटेड, आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है, आप वन ऑन वन उससे बात कर पाएंगे, यानी कि जूम सेशन पर ऐसा वीडियो कॉल के थ्रू यू विल बी एबल टू इंटरैक्ट विद मी। लेकिन ये कैसे होगा, कैसे पहुंचेंगे आप इस सेशन तक, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर चैट सेक्शन में आप देख रहे हैं लिंक पिन हुआ है, जल्दी से देखो चैट सेक्शन में एक लिंक दिख रहा है ना सबको, यार अभी के अभी बिना किसी कंजूसी के, क्योंकि मैं भी आपको जरूर वहां पर मिलना चाहूंगी और मैं भी आपसे बात करना चाहूंगी, तो मेक श्योर कि आप उस फॉर्म को फिल कर दें, उसमें थोड़ी बहुत डिटेल्स आपकी हैं, आपके पास लिंक शेयर हो जाएगा फिर, और अभी के अभी फटाफट इतने आपका सेशन स्टार्ट हो, जल्दी से उसको फिल कर दीजिए, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स फिल करेंगे वही वो सेशन में पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, दो तीन और इंपॉर्टेंट बातें, अभी तक आप आकांक्षा नाम को जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आई एम आकांक्षा, मैंने मास्टर्स किया है हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वेयर आई वाज आल्सो अवार्डेड दी स्कॉलरशिप फॉर माय टॉपर स्कोर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। एट द सेम टाइम ब्रह्मास 3.0 आज आपका इंतजार कर रहा है विद द बेस्ट सेट ऑफ एडुकेटर्स, और यहाँ पर
ज्वाइन करने के लिए आप कोड यूज करेंगे एके लाइफ, ये सिर्फ मेरा ही नहीं पूरे के पूरे अन अकेडमी में जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं सभी का सारा कंटेंट आपको इस एक ही कोड के साथ मिल जाता है। यानी कि आप ना तो सिर्फ डिस्काउंट ग्रैब कर लेंगे बल्कि अन अकेडमी में नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं सभी का सारा कॉन्टेंट आप देख सकते हो, सभी का गाइडेंस आपको मिलता है। और साथ ही साथ कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो गोविंद आइकॉनिक यार मैम प्लस लेके आइकॉनिक तो आइकॉनिक के साथ जाइएगा क्योंकि वहां पर पर्सनल गाइडेंस पॉसिबल हो पाता है। आपको एक एक्सपर्ट मिलते हैं जो आपके लिए कस्टमाइज स्टडी प्लान सेट करते हैं, यानी कि जो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग है समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू। और साथ ही साथ अनअकैडमी स्टडी मटेरियल आपके घर तक खुद आ जाएगा हार्ड कॉपी फॉर्म में विच विल हेल्प यू अलॉट, प्लस के तो सारे बेनिफिट्स आपको मिलते ही हैं यहाँ पर आइकॉनिक में, ठीक है। और यार मौका भी बहुत अच्छा है क्योंकि कल, हाँ जी कल लास्ट डे है 20% ऑफ का। तो मैं तो यही चाहूंगी कि जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं अगर उन्होंने मन बनाया है, उन्होंने सोचा है कि यार अभी कुछ दिन में मैं स्पेशल आई मीन प्लस ज्वाइन करूंगा आइकॉनिक ज्वाइन करूंगा, आई वुड वांट कि आप टाइमली ज्वाइन करें। बैच भी नया है, फ्रेश बैच है, बैच स्टार्ट हुआ है, साथ ही साथ आपको 20% ऑफ मिल रहा है। तो मैं यही चाहूंगी हर एक स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़ा है उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो यार आप लोग अभी यू कैन यूज दिस कोड टाइमली बिफोर टुमारो सो दैट आप लोग टाइमली हमारे साथ यहाँ पर जुड़ पाए। अनसैट मिस नहीं करेगा कोई भी, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल करा दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। क्योंकि भाई ये एक तरीका है बहुत सारे कॉम्पिटिशन में बैठकर पार्टिसिपेट करने के बाद देखने का कि हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ हमें काम करने की जरूरत है। जब बहुत सारे ऐसा कॉम्पिटिटिव माइंड्स के साथ अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे तब आप रियलाइज करेंगे आप अभी कहाँ हैं, कहाँ काम करना है और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप 100% स्कॉलरशिप तक ग्रैब कर सकते हो और भी बहुत कुछ। कोड यूज करेंगे एके लाइव, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, यहां सबने पार्टिसिपेट करना है। स्टार्ट करें सेशन, है ना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, बट आई शुड सी सम जोश हियर, सम गुड एनर्जी हियर इन द चैट सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर आज जो आप पढ़ने जा रहे हो ये आगे तक हर एक फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट में आपके बहुत काम आने वाला है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से करेंगे और साथ ही साथ जितना आज पढ़ाया जाएगा वो मैंने हमेशा आपको कहा है कि प्लीज सेम डे रिवाइज कर लीजिए, सेम डे नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैं आपको बाय माय नेम आकांक्षा कर्णवाल मिलूंगी, मेरा सरनेम का स्पेलिंग, मेरा नेम का स्पेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थंबनेल में, हर जगह आपको मिलेगा। तो मैं अनअकैडमी पर पढ़ाती हूँ, जितनी मेरी प्री क्लासेस है या फिर यूट्यूब क्लास है या फिर प्लस आइकॉनिक की क्लास है सबका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाता है। मेरा लिखा हुआ यानी कि हैंड रिटन फॉर्म में जो जो मैं यहाँ पर लिखूंगी वो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। इससे पहले का अगर कोई पीपीटी या पीडीएफ मिस हो गया था तो आई विल शेयर इट। चलिए हाँ हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आकांक्षा कर्णवाल के नेम से है, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी देखिए चैप्टर का नेम क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, और आज एक्चुअली हम वही पढ़ने जा रहे हैं। क्या ये मोल का सीन क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मोल? और अभी तो आप समझ चुके हैं मोल किसको कहते हैं, मोल कहते हैं अवोगैड्रो नंबर, वन मोल यानी कि वो चीज आपकी अवोगैड्रो नंबर व्हिच इज 6.022×10^23 के बराबर है, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिए क्या लिखा है कि वन मोल इज द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस which contains as many particles as present in 12 gram of carbon 12 atom. ये क्या लिखा है भाई? देखो ये कहना चाहता है कि यार आपके पास जो कार्बन 12 होता है ना, यानी कि कार्बन का 12 वाला आइसोटोप, इस बात का मतलब क्या है कि आपके पास कार्बन के वैसे बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, पर कार्बन 12 उसका 12 ग्राम अगर हम लेंगे, कार्बन 12 का 12 ग्राम ले लो यार, तो 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स मिलेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, वन मोल कहते हैं। जब इसको कैलकुलेट किया गया तो ये कितना निकल कर आया, 6.022×10^23 निकल कर आया। इसका मतलब हमने ये आपका फाइनली कंक्लूड कर लिया कि देखो यार वन मोल के अंदर ना 6.022×10^23 पार्टिकल्स होते हैं जिसको आप Na से रिप्रेजेंट करते हो, जिसको हम अवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है सो दैट आपको पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी भी पता हो, अदरवाइज ये आपसे कोई पूछेगा नहीं। ये जो यहाँ पर ऊपर ऐसा डेफिनेशन लिखा है ना कि वन मोल मतलब उतने पार्टिकल्स जितने 12 ग्राम कार्बन एटम में होते हैं, भाई कार्बन एटम जो है आपका अगर उसका 12 ग्राम ले लोगे उसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे उसको हम क्या कहते हैं, वन मोल। कैलकुलेट किया तो 6.022×10^23 के इक्वल आया और उसी को आप क्या कहते हो, Na यानी कि अवोगैड्रो नंबर। कूल है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए वैसे तो आप लोग समझ ही गए हो कि अगर किसी भी चीज के आगे मोल लिखा है इसका मतलब क्या है कि वो चीज 6.022×10^23 के इक्वल। अच्छा बात बताओ मेरे को
सुनो, तुमने कंजूसी किया कि सेशन को लाइक किया? आपको लग रहा है कि ऐसा सेशन के साथ हेल्प हो रही है, मजा आ रहा है, तो मेक श्योर यू हैव हिट द लाइक बटन, और साथ ही साथ आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैम तो आपको यहीं पर मिलने वाली है अभी डेली ऐसा 8 PM। अच्छा, और यहाँ पर अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ मास। इसका मतलब मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि यार मेरे पास ना इतना ग्राम अमोनिया या इतना ग्राम ये चीज है, फिर आप मुझे बताइए कि इसके कितने मोल्स मैंने लिए। इसका मतलब यानी कि अगर मैं कोई भी एक्स अमाउंट ऑफ एक सब्सटेंस लेती हूँ या फिर एक कंपाउंड लेती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ कि यार इसमें कितने मोल्स है बताना, तो आप कैसे चेक करेंगे द नंबर ऑफ मोल्स? तो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास 3 अलग अलग मेथड्स आते हैं, जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट है या क्वेश्चन का डेटा जिसके अकॉर्डिंग है वो वाला मेथड हम अपना लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल की जब आप बात करते हो यार, है ना, यानी कि मैम अब हम सीखने जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं। पहला मेथड होता है मास से, यानी कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन है ना कि यार देखो ये इतना है, ये इतना ग्राम है, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो पहला तो वो होता है। फिर दूसरा होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हेल्प से। आप समझते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसको कहते हैं यार, बोलो जी। ओए तुमको ये तो बताना पार्टिकल्स किसको कहते हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं बोल रही हूँ पार्टिकल्स पार्टिकल्स और तुम्हारा अलग ही सीन चल रहा है ना। पार्टिकल्स जैसे पता है ना, जैसे कि आयंस, आयंस पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, वो सब क्या है, एक फॉर्म ऑफ एक टाइप ऑफ पार्टिकल ही तो है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज अ पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या है, पार्टिकल। प्रोटॉन क्या है, पार्टिकल। तो ऐसे कुछ भी पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, इसका मतलब अगर मैं कह दूं कि देखो यार तुम्हारे पास ना 3×10^24 मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मतलब मैंने आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताया। मैं आपको कहूँ आपके पास 4×10^26 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताया, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताए। तो वैसे भी आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक लास्ट हमारे पास बचता है वॉल्यूम के डेटा के हेल्प से। इसका मतलब अगर आप लोगों को क्या दे दिया जाए, वॉल्यूम दे दिया जाए, ठीक है, तो भी आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल यहां से हम क्या समझ पा रहे हैं, एक तो मास के हेल्प से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हेल्प से, और थर्ड आपका वॉल्यूम के हेल्प से आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो आपका होगा नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन यूजिंग मास का डेटा। इसका मतलब देखो मैं आपको क्या सिखाने जा रही हूँ। ऐसा ना क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर एग्जाम में काफी बारी पूछ लेते हैं, ऐसे पूछते हैं कि यार देखो आपके पास ना 19.6 ग्राम H2SO4 है, ओके जी, बस बस होगा क्वेश्चन फिनिश। अब आप हमें बताओ इसके आपके पास कितने मोल्स है। मतलब कि अगर हम आपको 19.6 ग्राम ऑफ H2SO4 दे रहे हैं तो आप हमें ये बताइए कि इसके अंदर कितने मोल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसका मतलब अगर आपको कहीं मास का इंफॉर्मेशन दिया है तो उससे नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो यार यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सी अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मोल का मास कितना होता है, लेट्स से मैं बोल रही हूं कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है उसका मोलर मास, यहाँ पर वैसे ऑलरेडी लिखा है तो यहीं से पढ़ते हैं, इफ m ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू 1। इस बात का मतलब क्या है कि भाई देखो मोलर मास किसको कहते हैं, ध्यान करो, ध्यान आ रहा है आप लोग को, मोलर मास मतलब, मोलर मास मतलब मैम 1 मोल का मास है ना यार। तो 1 मोल का मास इज मोलर मास। तो यहाँ पर ये जो m ग्राम लिखा है ना, ये यहाँ पर क्या कह रहा है, मोलर मास कह रहा है कि भाई किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी हो, किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है उसके अंदर 1 मोल होते हैं, है ना। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज का मोलर मास में कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल का मास होता है, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब यार m ग्राम में तो 1 मोल है ना। m ग्राम कब बनता है, जब 1 मोल लिया जाता है। 1 ग्राम कब बनेगा, देखो यार बड़ी सिंपल सी बात है, m ग्राम यानी कि मोलर मास किसी का भी तब बनता है जब आपके पास कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल्स होते हैं। यहां पर ये m स्टैंड्स फॉर मोलर मास। तो वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि यार 1 ग्राम में फिर कितने मोल्स होंगे, है ना, ऐसे पूछ सकते हैं कि अच्छा m ग्राम 1 मोल बनाता है तो 1 ग्राम में कितना मोल्स होगा, 1/m मोल्स होंगे, बोलो जी, है ना यार 1/m मोल्स होंगे। फिर आपसे कोई पूछे कि अच्छा w ग्राम में फिर,
मतलब कि देखो मोलर मास में तो 1 मोल थे, 1 ग्राम में 1 अपॉन m मोल्स थे। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास इतना मास है, लेट्स से 20 ग्राम है, 30 ग्राम है, 40 ग्राम है, एंड इफ वी कॉल इट w, तो वो w ग्राम के अंदर आप लोगों के पास कितने मोल्स होने जा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। आहा, दिस इज तो वेरी सिंपल, ऐसा बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना, सिंपल यूनिटरी मेथड यार। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m को मैं मल्टीप्लाई कर देंगे w से। अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल बात है, कैसे किया भाई, अगर 1 ग्राम में इतने मोल्स होते हैं, W में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाय W। सो ऑल इन ऑल हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आए हैं, यानी कि अगर किसी का W ग्राम वेट है, मास है, तो उसमें आपके पास W बाय M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है। इसका मतलब आपके पास यहाँ से क्या निकल कर आया कि यार हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मैम होने जा रहे हैं W बाय M ग्राम के इक्वल। और यहाँ पर W stands for given mass, या जितना आपके पास available है उस चीज का, जितना mass available है, that is W, and M stands for molar mass. M तो हमेशा fixed रहेगा, हर एक substance का molar mass fixed होता है, जो है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आया है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पर ये जो हमने ऐसा फ्लो चार्ट बनाया है, इसको जरा कंप्लीट करते हैं। और यहां हमने क्या सीखा, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, वो भी मास के डेटा से। तो यार हमारे पास क्या निकल कर आया है, क्या कंक्लूड किया है आपने कि मैम दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ना 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 ना, हेलो, इट इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, गिवन मास बाय मोलर मास। बोलो जी यार, मेरे को थोड़ा ऐसा थम्स अप दिखना चाहिए अगर आपको ये बात क्लियर है, जल्दी से जिस जिसको लगता है कि आहा बिल्कुल बढ़िया से एकदम दिमाग में प्रिंट हो चुका है मैम कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W अपॉन M, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, अभी के अभी आई शुड सी अ लॉट ऑफ थम्स अप्स हियर। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे ठीक देना है एकदम, यानी कि ये जो क्वेश्चन हमने अभी देखा था यार, है ना, ये वाले क्वेश्चन का आंसर कम ऑन क्विकली, आई वुड वॉन्ट टू सी हु इज गोइंग टू गिव मी द फास्टेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि अगर आपके पास 19.6 ग्राम ऑफ H2SO4 है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं, कम ऑन क्विकली बोलो जी, बोलो बोलो बताइए। अच्छा इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, बड़ा आसान है, ऐसे नहीं करना कि मैम ये कैसे होगा, मैम ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको, क्योंकि देखो जी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अब यहाँ पर गिवन मास कितना है मैम, 19.6 है ना, गिवन मास इज 19.6। हाउ अबाउट द मोलर मास, ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है इसका मोलर मास कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, 98 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, देखिए हाइड्रोजन 2 into 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 into 16, नाउ दिस इज इक्वल टू 98। सो यू हैव 98 आपका ये, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा, 19.6 बाय 98। हाउ मच इट इज, कितना आता है कैलकुलेट कर बताइए, वैसे ऐसा बस देखा देखा और हो गया टाइप क्वेश्चन था ये, इतना सिंपल कैलकुलेशन है ना। तो देखो यार ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आसानी से आप कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है ना, ठीक है। 0.2 आपके पास यहाँ पर निकल कर आएगा, वेरी गुड, जितने स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैम 0.2 एकदम परफेक्ट है ना, सो वी विल हैव 0.2 हियर। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा पहला एकदम क्लियर हुआ, यहाँ पर इस तरीके से आपने इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर यही जो हमने पढ़ा है, क्या इसको हम ऐसा फ्लो चार्ट फॉर्म में कंक्लूड कर सकते हैं, ये आपकी बहुत मदद करेगा, ये जो फ्लो चार्ट आप सामने देख पा रहे हैं दिस विल हेल्प यू काफी ये चीज को ध्यान रखने में। क्योंकि देखो यार अगर मान लीजिए आपके पास गिवन मास गिवन है, ये मास कौन सा है W वाला, ठीक है, अगर आपके पास मास गिवन है और आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, क्या करना है, यू आर सपोज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, एरो का साइन देखिए कि मास गिवन है और हमें मोल्स तक जाना है, भाई ये तो हमारे पास है, हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, मास को सिंपल है एकदम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मास को आप ये वाले मास को गिवन मास को मोलर मास से जब डिवाइड करेंगे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ जाएंगे। वहीं अगर आपको मोल्स गिवन हो और भाई मास कैलकुलेट करना, क्वेश्चन समझ रहे हो आप लोग, मैं ऐसा भी तो कह सकती थी कि यार देखो आपके पास ना 0.2 मोल्स हैं किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4 के, आप मेरे को बताओ कि अगर 0.2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका मास कितना लिया गया होगा, यानी कि वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा,
बड़ा आसान, फॉर्मूला रिमेंस द सेम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहां भी आप क्या कहोगे, क्योंकि आर मैम नंबर ऑफ मोल्स तो 0.2 आपने बताया, फिर W हमें फाइंड आउट करना है, मोलर मास तो हमेशा वही रहेगा व्हिच इज 98। तो जी हो गया डन 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 डन, W इज इक्वल टू 98 इनटू 0.2 व्हिच इज 19.6। आहा, W निकल कर आ गया, कूल। यस मैम, तो बस डन 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 डन। अच्छा, तो इसका मतलब अगर आपको मोल्स गिवन है और आपको मास कैलकुलेट करना है, इफ यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द मास, तो हम क्या करते हैं भाई, मोल्स के अंदर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास गिवन मास निकल कर आ जाएगा। वेरी सिंपल, फ्लो चार्ट से हमने ये बात को कंक्लूड किया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास, देखो मैंने आपको बताया था मोल्स को तीन तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है ना, आउट ऑफ विच पहला जो आपका मेथड था वी आर डन विद इट, यानी कि अगर आपके पास सर्टेन मास गिवन है तो उससे आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। अब आता है आपका मेथड नंबर टू, ऑल सेट फॉर मेथड नंबर टू, कैसे कर सकते हैं, पार्टिकल्स के हेल्प से, यानी कि अगर आपको बता दिया जाए कि यार आपके पास कितने पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल बोले तो पार्टिकल आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, ये सब का इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो आप कैसे बताएंगे। मतलब कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सुनो आकांक्षा बताइए, वैसे हमारी क्लास में कोई आकांक्षा है आज, 3.011 into 10 to the power 23 अगर आपके पास नाइट्रोजन एटम्स है ना, तो बताओ इतने एटम्स कितना मोल बनाएंगे। यानी कि आप ये बताइए कि अगर आपके पास 3.011 into 10 to the power 23 नाइट्रोजन एटम्स हैं, तो इसमें कितना मोल्स बन जाएंगे, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स, ये आपको यहां से बता रहे हैं। कैसे बताएंगे आप सोचिए जरा, इसे कहते हैं पार्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये भी बहुत मजेदार, बहुत सिंपल है यार। देख कितनी सिंपल स्टोरी है हमारे पास भाई, आप ये बताइए जब हम वन मोल की बात करते हैं है ना, अगर मैं कहती हूं कि मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसमें एनए पार्टिकल, कितने पार्टिकल है, एनए पार्टिकल है, इसका मतलब क्या होता है, वन मोल पार्टिकल है, एनए मतलब एवोगाड्रो नंबर, अगर किसी चीज का एनए पार्टिकल है इसका मतलब वो वन मोल है यार। बोलो जी, ये तो एकदम सिंपल बात है कि इसमें भी, ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, है ना, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी चीज का एनए पार्टिकल है इसका मतलब वन मोल है। फिर इसके बाद, अच्छा वन पार्टिकल में कितने मोल होंगे यार, थोड़ा दिमाग चलाना अपना, सिंपल सी बात पूछ रहे हैं एकदम, है ना, वन पार्टिकल, एक पार्टिकल कितना मोल्स बनाएगा। मैम यार ये तो बहुत सिंपल है, कितना बनाएगा, वन अपॉन एन ए, है ना, एक पार्टिकल कितना बनाएगा, वन अपॉन एन ए मोल बनाएगा। तो अगर मैं आपको एन पार्टिकल्स दे रही हूं, एन मतलब एन बोले तो जैसे यहां पर ये लिखा है ना 3.011 into 10 to the power 23 क्या है, एन ही तो है जो मैंने आपको दिया है कि भाई इतने पार्टिकल्स हैं आपके पास। तो अगर मैं आपको एन पार्टिकल्स दे रही हूं तो एन पार्टिकल से कितने मोल्स बन जाएंगे यार, सोचो एक बार, एन पार्टिकल से एन अपॉन एन ए मोल्स बन जाएंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, वन अपॉन एन ए को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय कैपिटल एन, एंड दैट्स इट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला दूसरा निकल कर आ चुका है वो क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। बोलो जी, इंटरेस्टिंग, ऐसे आता है फॉर्मूला। अब किसी को लर्न करना पड़ेगा, देखो मैं जानती हूँ सबने पढ़ा हुआ है कि गिवन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W बाय M, है ऐसा फुल रेक्टिफिकेशन कर कर जाते हो, गिवन मास बाय मोलर मास, पर कहां से आया आज आपको समझ आया, और अगर आपको समझ आया तो आई एम श्योर आप कभी नहीं भूलेंगे। वैसे ही गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, ये अगर आपको समझ आया तो भूलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपने पीछे का स्टोरी समझा है, वो कहां से आया, आपने लॉजिक सीखा है उसका। ठीक है, तो इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा फ्लो में चलता जाता है और कहीं भी ऐसा रेक्टिफिकेशन जैसा आपको नहीं लगता है। अच्छा, तो हमने जो पढ़ा उसको कंक्लूड कर ले पाए, है ना, ये देखिए ये कर रहा है यहाँ पर आपका कंक्लूजन क्या कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अच्छा जी, अब मेरे को यार ये क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है, मैंने आपसे क्या पूछा था कि आपके पास अगर 3.011 into 10 to the power 23 नाइट्रोजन एटम्स है ना, इतने अगर आपके पास नाइट्रोजन एटम्स हैं तो आप हमें बताइए कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स होने वाले हैं। बोलो जी, बोलो बोलो बोलो, नंबर ऑफ मोल्स, यार एक बात बताओ,
कंजूसी तो बहुत किया आप लोगों ने, है ना। इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव है ये सेशन में, जितने स्टूडेंट्स ये सेशन में लाइव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन सो दैट आकांक्षा मैम तक पहुंच पाए आपका जोश, आपकी एनर्जी, और हम ऐसा नेक्स्ट लेवल एनर्जी, नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन के साथ बढ़िया से तैयारी करें और यही मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करें आगे तक, यानी कि हर एक यूनिट के साथ, हर एक दिन के साथ। कोई हमारे क्लास में आए तो उसको देखकर लगे कि यार इसे कहते हैं नीट एस्पिरेंट, ये जोश होता है, ये एनर्जी होती है और ये वाइब होती है एक स्टूडेंट और टीचर के बीच, है ना, तब मजा आएगा यार ऐसे थोड़ा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, 0.5 मोस्ट एकदम परफेक्ट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर आप लोग जिस जिसने कहा 0.5, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन भी काफी इजी ही था, है ना। देखो नंबर ऑफ मोस कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज 3.011 × 10^23 डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर विच इज 6.022 × 10^23, कर दो यार इसको मैम यहाँ से यहाँ कैंसिल, एंड दिस इज लाइक 1/2 विच इज 0.5, डन, नंबर ऑफ मोस कितना हुआ 0.5, कूल, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी बात को ऐसे कंक्लूड किया जा सकता है, ये देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पर ये जो लिखा है, इसी बात को हम लोग ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, कि भाई देखो जो मोल्स हैं, अगर आप लोगों को मोल्स दिए गए हैं और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, मोल्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, मोल्स को अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास पार्टिकल्स निकल कर आ जाएंगे, है ना। और अगर पार्टिकल दिए और मोल्स कैलकुलेट करना है तो भाई अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, एज सिंपल एज दैट। मतलब बात की फीलिंग समझ आ रही है आपको, बात की फीलिंग ये कहती है कि देखो यार अगर आपके पास यहाँ पर गिवन पार्टिकल्स बाय अवोगैड्रो नंबर, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, तो इसमें अगर आपसे कोई एन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, यानी कि कैपिटल गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आप क्या करोगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स को अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे कि नहीं, है ना। और बाकी अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो अपनी लाइफ सॉर्टेड है ही, हम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, कह दो यस मैम, बोलो जी, है ना, है ना, हेलो यस, ऐसे यस पूरा लगना चाहिए सबको, पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक और इंपॉर्टेंट सी बात, एक और इंपॉर्टेंट सी बात ये जो आपके सामने लिखी है, बात एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन बहुत डीप, क्योंकि यहाँ पर आप फंस भी सकते हैं, एग्जामिनर लैंग्वेज के साथ कभी कभी ऐसा आपको फंसा देते हैं, है ना, लेकिन आपके साथ वैसा नहीं होगा क्योंकि आप पहले ही सीख कर जाएंगे, ध्यान रखकर जाएंगे। देखो क्या होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, इनफैक्ट कल आपकी जो स्पेशल क्लास होगी जो ऐप पर होगी, अनअकैडमी ऐप पर, विच इज अ फ्री क्लास, वहां मैं भी आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी जिसमें आपके पास ना ऐसे नहीं लिखा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, क्वेश्चन में लिखा होगा नंबर ऑफ ग्राम्स एटम, यानी कि अगर आपके स्टेटमेंट में ऐसा कुछ लिखा मिल रहा है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, और कुछ नहीं, वो नंबर ऑफ मोल्स ही कहना चाहता है, लिखने का दूसरा तरीका है, ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन देखोगे बहुत आसानी से आप तक आप इसको डिटेल कर पाएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल बात है। इसका मतलब कि अगर कहीं ऐसा लिखा है कि आपके पास इतने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हैं, तो यार उसने आपको नंबर ऑफ मोल्स ही बताया, क्या बताया कि आपके पास इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास इतने नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं, तो और कुछ नहीं, वो आपको नंबर ऑफ मोल्स ही बता रहा है, तो लिखने का एक दूसरा तरीका है, पर एक्चुअली इंफॉर्मेशन सेम ही है, वो आपको नंबर ऑफ मोल्स बताना चाहते हैं, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए आगे तो हम तब पढ़ेंगे जब आप ये क्वेश्चन का हमें राइट आंसर देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बड़ा मजा आएगा, और इनफैक्ट इसमें से एक पार्ट तो शायद हम लोग पहले ही कर चुके हैं ना, कर कर दिखाइए क्वेश्चन, कम ऑन क्विकली, वेरी वेरी फटाफट, कौन दे रहा है हमें क्वेश्चन का आंसर, क्या लिखा है यहाँ पर, आई होप आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि 19.6 ग्राम H2SO4 में कैलकुलेट करिए कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं यार H2SO4 के, वो हो जाए तो बताइए कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं H2, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इसके अंदर, और फिर बताओ कि ईच टाइप ऑफ एटम कितने, मतलब सेकंड और थर्ड पार्ट तक तो आएंगे हम, पर पहले जरा आप मुझे बताइए कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के अंदर, बोलो जी, बोलो बोलो,
हाँ जी, और इसी के साथ जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर ये सेशन में लाइव हैं, आपको लग रहा है आपकी मदद हो रही है, हेल्प हो रही है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। तो यार मतलब ऐसा इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, 1K लाइक्स तक तो जाना चाहिए, मुझे भी समझ आएगा कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहले वाले दिन कितने स्टूडेंट्स थे और आज कितने स्टूडेंट्स ऐसा डेडिकेटेड पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी अटेंडेंस मुझे समझ में आती है, यहाँ से आपकी कंसिस्टेंसी रिफ्लेक्ट करती है। राइट, 0.2 पक्का पक्का लॉक किया जाए, वेरी कॉन्फिडेंट, यस। अरे यार कर दो मैम, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही रहते हैं, है ना? ठीक है, तो देखिए अगर आपका आंसर यहाँ पर 0.2 NA है तो आंसर एकदम परफेक्ट है। जिस जिसका आंसर आ रहा है 0.2 NA, शाबाश, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट आंसर है। कैसे हुआ? बड़ा सिंपल है यार, ऐसे कैसे नहीं होगा। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है ना उसने, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, अभी अभी पीछे हमने एक फॉर्मूला देखा था, वो किसके इक्वल होते हैं? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसके इक्वल होते हैं? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर, है ना? दिस इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर, ऐसा ही होता था। तो देखिए अभी यहां पर यही तो पूछा है आपसे, यही तो पूछा है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? आप हमें बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है। तो यहां पर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल हैव द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एज सिंपल एज दैट, है ना? आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल कर आएगा। लेकिन यार मैम एक बात तो बताओ, नंबर ऑफ मोल्स तो दिया ही नहीं है। अरे अरे आपने देखा नहीं है, दिया तो है क्वेश्चन में, ये देखो 19.6 ग्राम H2SO4। अब आपने अभी कुछ देर पहले कैलकुलेट किया था कि 19.6 ग्राम को अगर 98 से डिवाइड कर दें तो 0.2 आता है, विच इज नंबर ऑफ मोल्स। कैसे आया? गिवन मास बाय मोलर मास, तो दोनों ही रिलेशन यहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर 0.2 मल्टीप्लाइड बाय NA एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास, तो कितना आ जाएगा? 0.2 NA। यानी कि जो पहला पार्ट आपके सामने नजर आ रहा है आपको, इसके लिए आपका आंसर क्या बन जाता है? 0.2 NA। अभी नेक्स्ट पार्ट का आंसर बताइए। तो यार पहला पार्ट तो अपना डन डन आडन डन, 0.2 NA। हाउ अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स? कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? बड़ा सिंपल है यार, नंबर ऑफ एटम्स देखो आपके पास यहां पर निकल कर आया कि अगर आपके पास 19.6 ग्राम H2SO4 है, तो आपको पता चला कि यार इसके अंदर ना 0.2 NA मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसके? सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 0.2 NA मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कूल। अच्छा जी, अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर आपको एटम्स पूछा है, अच्छा एक मॉलिक्यूल अगर होता तो कितना आसान था आंसर देना। मैं अगर आपसे पूछूं कि यार वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में कितने एटम्स हैं, तो आप कहोगे यार मैम ये तो बड़ी सिंपल बात है, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक सल्फर का एटम है और चार ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो 2 + 1 + 4 = 7, है ना? तो 7 हो गया। अच्छा, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में अगर 7 एटम्स होते हैं, तो यार 0.2 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? 0.2 NA में, 0.2 NA मल्टीप्लाइड बाय 7 व्हिच इज 1.4 NA एंड दैट्स इट। आहा, ठीक है, तो इसका मतलब 19.6 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 0.2 NA तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और 1.4 NA आपके पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो आपके पास दूसरा पार्ट भी क्लियर है। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं? कम ऑन क्विकली रेज योर हैंड, ऐसा सच्ची में हाथ रेज करना है आपको अपना अपना, मैं देख पाऊंगी आपको, डोंट वरी, है ना? अब मेरे को बताना है थर्ड पार्ट कितने स्टूडेंट्स कर पाए, ये तो आएगा आपके पास कितना? 1.4 NA। देखते हैं ये जो आखिरी पार्ट है आपका, ये कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, कम ऑन क्विकली बताइए। बोलो जी कैसे करोगे, ये तो इजी है यार, दिस इज इजी, है ना? या मुश्किल लग रहा है मैम हमें तो? ऐसा एक एक का स्पेसिफिक लिखकर बताओ ना कि मैम इसका इतना होगा, इसका इतना होगा, तब तो बात भी है। अच्छा, इसी के साथ आपका भी जूम सेशन भी होने जा रहा है मेरे साथ, तैयार अपने थोड़ा दर्शन करवाओ मेरे को, मैं भी तो देखूं तुम लोग को एक बार, है ना? बात करते हैं आपसे, छोटा सा सेशन रखेंगे आपकी प्रॉब्लम और मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स सॉरी चैट सेक्शन में आपको एक फॉर्म दिख रहा है ना, पिन हुआ फॉर्म में, फटाफट से अपने डिटेल्स फिल कर दीजिए, क्योंकि फिर यहां से आपके पास लिंक आ जाएगा और हमारा ऐसा काउंसलिंग सेशन होगा। हर एक बात, हर एक
प्रॉब्लम, अगर आपके पास कुछ भी दिक्कत आ रही है केमिस्ट्री में, प्रेपरेशन में, इधर उधर उधर उधर, सब पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे करना था, आपसे नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप पूछा है, इसका मतलब वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि यार हमें एक बात बता दो कि इसमें ये जो H2SO4 है इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, है ना, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, सल्फर के कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं। अगर एक मॉलिक्यूल की बात की जाए तो 2 एटम्स फॉर हाइड्रोजन, 1 एटम सल्फर का है एंड वी हैव 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बट देन आपके पास एक एटम नहीं है, सॉरी आपके पास एक यहाँ पर क्या नहीं है, एक मॉलिक्यूल नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड का, रादर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 0.2 Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐसा 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, एंड बस वी हैव आवर आंसर। हाउ कम, ये कितना आएगा, कितना आएगा, कैसे हुआ 0.4 Na, है ना यार, और जी ये हो जाएगा 0.2 Na एंड दिस विल बी 0.8 Na, लाला, ठीक है हो गया। बोलो जी मुश्किल ना, आसान था, है ना, ठीक है। लास्ट टाइप पर आते हैं, यानी कि अगर आपको वॉल्यूम का डेटा गिवन है तब आप किस तरीके से आप जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर पाएंगे वो हमें यहां पर सीखना है। बच्चा बच्चा जानता है आइडियल गैस इक्वेशन, बोलो जी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हर एक स्टूडेंट जानता है कि नहीं, बिल्कुल जानता है ना, नहीं जानते हैं तो बहुत जल्द आपके ऐसा जबान पर आ जाएगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दिमाग में आपके प्रिंट हो जाने वाला है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन ही आपका है और ऑलमोस्ट हर एक यूनिट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार आता है आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हालांकि इसको कहां से आया, क्या मतलब है, ये सब आप सीखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर 5 क्लास 11 में, ठीक है, तो वहां हम भी सीखेंगे, पर फिलहाल के लिए PV is equal to NRT, आपके पास यू हैव योर आइडियल गैस इक्वेशन। जहां पर मैम P क्या होता है, बेटा प्रेशर होता है, V बोले तो वॉल्यूम होता है, N अरे अभी अभी पढ़ा, N तो नंबर ऑफ मोल्स होता है, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स। हाउ अबाउट T, T बोले तो टेम्परेचर, ठीक है, टी बोले तो टेम्परेचर। अच्छा आर किसको कहते हैं, आर आपका यहाँ पर स्टैंड करता है फॉर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, आर स्टैंड फॉर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट बोले तो एक कॉन्स्टेंट, जैसे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट पढ़ा है सबने, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है ना, ऐसे हर एक कॉन्स्टेंट का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, तो यहाँ पर ये आर आपका गैस कॉन्स्टेंट है एंड इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, कितनी 8.314 अगर आप जूस में लिख रहे हो, और भाई 0.0821 अगर आप लीटर एटीएम में लिख रहे हो। मेरे को एक बात बता, मेरे क्लास में कौन कौन है जिसको ये बात ध्यान है, अगर तुम भूल गए हो बेटा, है ना, तो यार तुम्हारी पटाई बनती है। अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले एक सेशन लिया था, आई थिंक यूनिट्स, है ना, यूनिट्स एंड उनका कन्वर्जन टाइप सेशन था, बहुत मजेदार, और उसमें मैंने आपको सिखाया था अलग अलग यूनिट्स होती हैं आपकी, ध्यान आ रहा है, कुछ कुछ यादें ताजा हो रही हैं आपकी कि नहीं, है ना, हाँ हो पा रही है, वेरी गुड, नहीं हो पा रही है तो बेटा पिटाई बनती है आपकी, और अगर आपने देखा ही नहीं है अभी अभी आप साथ जुड़े हैं, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर YouTube पर एक सेशन लिया था यूनिट्स और उनका कन्वर्जन, वहां मैंने आपको सिखाया कि आर की कैसे बहुत अलग अलग वैल्यूज होती है अलग अलग यूनिट्स के साथ, ठीक है, तो ये अपना आर होता है। खैर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आर की वैल्यू अगर नहीं भी ध्यान रखोगे तो चलेगा, यहाँ तो यूज नहीं होने वाला, ठीक है, लेकिन आप चैप्टर में इनफैक्ट पूरे केमिस्ट्री में काफी बार सुनने वाले स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या सुनने के लिए मिलता है हमें, STP, और एक और टर्म सुनने के लिए आपको मिलेगा NTP, है ना, विच इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन एंड दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। STP का मतलब क्या होता है, देखिए पहले तो जस्ट इमेजिन आकांक्षा मैम है एकदम बढ़िया ऐसा बिल्कुल कुछ इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट कर रही है लैब में, ठीक है, और एक कोई लंदन में रहता है मिस्टर और वो भी कर रहे हैं अपना ऐसा ही एक्सपेरिमेंट, करेक्ट, तो आकांक्षा मैम इधर इंडिया में लगी हुई है और वो लंदन मिस्टर अपने अपने लैब में लगे हुए हैं, करेक्ट। अभी क्या है कि वी आर परफॉर्मिंग द सेम एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम तरीका है, सब कुछ सेम तरीके से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका आंसर अलग निकल कर आया और मेरा आंसर अलग, ऐसे कैसे, जब सब कुछ सेम किया है, वेट सेम लिया है, सब कुछ सेम लिया है, तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए, है ना, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल कर आया दैट इज डिफरेंट। वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस अलग हैं, जहां आकांक्षा मैम परफॉर्म कर रही है और वो मिस्टर लंदन की कंडीशंस अलग है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, सो दैट एक यूनिवर्सल
पैरामीटर सेट हो पाए, यानी कि कोई कहीं भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे आपके पास सेम वैल्यू निकल कर आए अगर सेट कंडीशंस हमारे पास है, तो इसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को फिक्स कर दिया कि भाई ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा एसटीपी पर, जहां टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर और टेम्परेचर आपका होना चाहिए 0°C। तो अगर मैं भी अपने लैब में 0°C टेम्परेचर मेंटेन कर लूं, है ना, और वो भी अपने लैब में 0°C टेम्परेचर मेंटेन कर लें, फिर अगर हम दोनों प्रेशर भी इक्वल रखें, आप सेम तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, तो ऑब्वियसली हमारा वैल्यू सेम निकल कर आए, क्योंकि पहले जो एरर आ रहा था वो कैसा था, क्लाइमेट अलग अलग है ना दोनों जगह, है ना, उसलिए हमारा वैल्यूज अलग था। बट अब हमने ऐसा स्टैंडर्ड कंडीशन सेट कर दिया है, तो देखिए एसटीपी तो यही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ध्यान आपको क्या रखना है कि एसटीपी पर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर कितना होता है 0°C। और आप जानते हैं कि आपका जो टेम्परेचर होता है उसकी स्टैंडर्ड या SI यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। तो 0°C में 273 ऐड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 273 केल्विन। तो 0°C इज नथिंग बट 273 केल्विन। तो यहां पर हमारे पास ये आया, है ना। तो देखो यार, अब दो बातें हुई, पहले की जो बुक्स आपको मिलेंगी उस ये एक ओल्ड कन्वेंशन है, यानी कि पहले हम अस्यूम करते थे कि 1 atm 0°C क्या होता है, एसटीपी होता है। लेकिन अभी के जो न्यू रिसेंट कन्वेंशन आए हैं, नई नई बुक्स में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1 bar 1 atm की जगह 1 bar को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड प्रेशर कहा जाता है, टेम्परेचर वही अपना 0°C रहने वाला है, ठीक है। हालांकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि देखो, अगर कभी भी कंफ्यूजन हो ना एग्जाम में कि और एटीएम की बार क्या यूज करें, कुछ भी यूज कर लीजिए, एज यू विश, ठीक है, कुछ भी यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 atm 1.013 बार के इक्वल होता है। अब यार ये तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम नहीं हो गया, देखना जरा, 1.01 सेकेंड डेसिमल प्लेस पर जाकर चेंज आ रहा है, तो ये तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई, है ना, दोनों अप्रोक्सीमेटली 1 ही है, तो आंसर आपका ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा। और इतना मतलब कम से कम नीट एग्जाम में वो इतना ज्यादा ऐसा सिग्निफिकेंट फिगर्स तक नहीं जाता है, आपका जो आंसर होता है उसमें इतना अप्रिशिएबल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर कहीं दिक्कत आए, कंफ्यूजन हो मैम एटीएम की बात, तो बेटा किसी को भी यूज कर लेना, 1 एंड द सेम बात होती है, ठीक है, बिकॉज 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार। आगे बात करते हैं, अभी यहां पर हमारे पास देखो, यहां लिखा हुआ है 1 atm इज इक्वल टू इतना बार। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, ये क्वेश्चन सबने कैलकुलेट करना है अभी के अभी, सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, क्या कहता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। कौन कौन कर पाएगा इसको, ये बात आपको मुश्किल लग रही है क्या, जल्दी से बताओ। ओहो, ये कौन है, प्रकृति पूछ रही है, और लाइन लगा दिया उन्होंने, बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है, और है ना दिल में कुछ कुछ हो रहा है, और पूछे बिना रहा नहीं जा रहा है, कौन है ये, कौन है प्रकृति, हाँ जी। तो प्रकृति पूछ रही है कि मैम बायोमोलिक्यूल्स और अमीन्स का 1 shot कब आएगा, है ना। तो पहले तो आप स्पैमिंग करना बंद करिए, बाकी अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स दोनों क्लास 12th के हैं, और भाई अभी से तुम 1 shot देखोगे, हाँ अभी 1 shot देखोगे, अभी इतना टाइम है आपके पास, यू हैव गुड 6 months इन योर हैंड, क्यों आप 1 shot के बारे में सोच रहे हैं, कोई नहीं देखेगा 1 shot, 1 shot रिवीजन पर्पस के लिए आप रेफर कर सकते हैं, डिटेल्ड सेशन देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा आपका, हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। जब एग्जाम में 2 महीना बचा होगा तो मैं खुद आपको कहूंगी 1 shot देखिए, डिटेल मत देखिए, है ना, यू ऑलवेज हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू आर। अभी आपके पास यू हैव गुड टाइम इन योर हैंड, तो आप क्यों 1 shot देख रहे हैं, क्या होगा 1 shot देखकर, दिल को खुशी मिलेगा, सुकून मिलेगा मैम कि देखो इतना जल्दी हो गया हमारा चैप्टर, पर बेटा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो पाएगा फिर, है ना, मतलब हो भी जाए तो आप सही कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे जो जरूरी है। तो अभी 1 shot के बारे में नहीं सोचना है, आप सही डिटेल लेक्चर्स फॉलो कीजिए, जब क्लास 11th फिनिश कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा। क्लास स्टार्ट होता है मिस्टर संतोष 8 pm, हालांकि आज कुछ देर बाद हुआ हो पाया, क्योंकि ये थोड़ा पीपीटी जो है ना इसमें कुछ कुछ करना था, थोड़ा टाइम लग गया यार, है ना, अदरवाइज नॉर्मली मेरा पीपीटी हमेशा रेडी होता है, बट देन आई हैड टू ऐड सम फ्यू थिंग्स इसके अंदर, तो टाइम लगा। अब अगर आपने प्रकृति आदि भी दोबारा लिखा ना, मैं आपको बता रही हूँ, यू विल बी ब्लॉक्ड,
और पिटाई तो इतनी होगी कि बस पूछा ही मत, है ना। क्वेश्चन का आंसर बताइए। बोलो जी, किया किसी ने? अरे भाई किया आपने कि नहीं किया ये बता दो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस एट STP पर आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। बड़ा आसान है यार, देखो ध्यान से देखना क्या करना है हमें। आइडियल गैस बोला है मैम, तो मैम आइडियल गैस तो PV is equal to nRT वाला इक्वेशन फॉलो करता है कि नहीं? ओके जी, अब यहाँ पर यू आर सपोज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे आएगा? nRT by P का रिलेशन यूज कर लीजिए, nRT by P, है ना। फिर इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n का वैल्यू आपके पास कितना है? 1 है, है ना यार। नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास? 1 है। ओहो ओहो ओहो, एक मिनट। हाँ जी, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है। अच्छा प्रेशर, अरे STP कंडीशन दिया तो है, STP पर प्रेशर कितना होता है? 1 bar लेते हैं, है ना। कितना लेते हैं? 1 bar ले लेते हैं। टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन होता है। सब कुछ आपको दिया है, तो देखिए वॉल्यूम कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स 1 mole, आर का वैल्यू अभी देखते हैं कुछ देर बाद, टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। प्रेशर आप कितना ले रहे हो? 1 bar ले रहे हो। ध्यान रखिएगा कि आपके पास आर की जो वैल्यू होती है, आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर बार, एक्चुअली आप 3 होता है, 831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है, हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है वैल्यूज में, तो यहाँ पर आप ये वाला वैल्यू यूज करोगे 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का लीटर्स आपके पास बचेगा और यहां से निकल कर आएगा 22.7 लीटर। कुछ ध्यान आया आपको? ऐसा मतलब कुछ घंटी बजा तुम्हारे अंदर का कि यार ये 22.7 तो सुना सुना देखा देखा ऐसा लगता है। किस किस को लगता है 22.7? ऐसा बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन यानी कि STP पर वॉल्यूम कितना होता है? 22.7 होता है। कुछ ध्यान आया आप लोग को? हाँ जी आया है ना, कि आपके पास V is equal to 22.7, यही तो है। देखो हमने प्रूव किया कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अगर लिया जाए तो आपके पास वॉल्यूम 22.7 लीटर्स के इक्वल निकल कर आता है। ओके जी, अच्छा फिर इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए मैम हम 1 ATM ले लेते हैं, है ना। आपने तो मैम प्रेशर को 1 bar ले लिया, मेरा दिल तो ज्यादा पसंद ATM को करता है, तो मैं तो ATM के साथ करूंगा, तो आप ATM के साथ कर लो। देखो क्या होगा, फिर टेम्परेचर तो 273 केल्विन ही रहने वाला है ना। वॉल्यूम कितना आएगा? बोलो जी, nRT by P ही होता है, राइट। फॉर्मूला तो नहीं बदल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, आर सोचते हैं अभी ये 273 हुआ, ये 1 हुआ। आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर प्रेशर ATM में दिया है तो ऑब्वियसली बात है, सो दैट यूनिट्स को आप नॉर्मलाइज कर पाए, बैलेंस कर पाए, तो आपको आर का भी ATM वाला यूनिट यूज करना है। और आर की वैल्यू कितनी होती है? 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल होती है। तो कितना माइनर डिफरेंस है यार, यहाँ पर आर की वैल्यू 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल थी, तो जब हमने बार वाला वैल्यू यूज किया था तो हमने इसको यूज किया, है ना, ये यूज किया। और क्योंकि ATM में बात होने जा रही है तो 0.0821 आ जाएगा, तो यहाँ 0.0821 रहा बस, उस तो बचा नहीं, वैल्यू आएगा 22.4 लीटर, दैट्स इट। आप तो ध्यान आया आपको, है ना। तो देखिए STP पर क्या होता है, अगर आप प्रेशर ले रहे हो 1 ATM तो आपकी वॉल्यूम निकल कर आएगी 22.4 लीटर, ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम हुआ। वहीं अगर आपने प्रेशर को 1 bar लिया है तो आपकी वॉल्यूम निकल कर आएगी 22.7 लीटर। कह लो यस, कोई भूल तो नहीं जाएगा ये बात को कि 22.4 लीटर एंड 22.7 लीटर, बताएंगे मुझे फटाफट। और फिर इसके बाद लास्ट जो आपका मेथड बनता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, वो हम यहाँ सीखेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जान गए हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है मास का डेटा यूज कर, तो आप गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे करते हो, गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, और वैसे ही अगर आपको क्या करना है, वॉल्यूम दे दी जाए। मैं आपसे कहूं कि सुनो आकांक्षा, तुम्हारे पास 11.2 लीटर है, किसका, लेट्स से हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, आप बताओ इसके अंदर कितना मोल्स है। कैसे बताओगे, बताओ बताओ कैसे बताएंगे आकांक्षा। चलिए इतना आया सबको, क्लियर, वेरी गुड, परफेक्ट है, बहुत अच्छा। अभी देखिए यहां से आपने कुछ कुछ बातें सीखी सीखी मैम, कि आपके पास अगर किसी गैस का 22.7 लीटर आ रहा है,
एसटीपी पर, तो इसका मतलब उसके अंदर वन मोल है। आपने जो सारा वॉल्यूम का कैलकुलेशन किया, इसमें आपको पता था क्या कि कौन सा गैस है? नहीं, हमें तो नहीं पता कौन सा गैस, हमें ये पता है कि गैस जो भी है बस वो आइडियल है, राइट? और उसका कितना मोल्स आपने लिया था? वन मोल। एंड ये जो फॉर्मूला में हमने एन की जगह वन रखा था, इसका मतलब 22.7 लीटर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 22.4, एक ही बात है, ठीक है, 22.7 या फिर 22.4 लीटर। इसके अंदर कितना मोल्स बनता है? ये कितना बनाता है? वन मोल बनाता है, ठीक है, कितना बनाता है? वन मोल बनाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार सुनो, 22.7 लीटर अगर किसी सब्सटेंस का है, तो अगर आपसे उस आपका उससे वन मोल बनता है, तो वन लीटर से कितना मोल्स बनेगा? तो आप कहोगे यार वन लीटर से 1/22.7 मोल्स बनेगा। अब अगर आपसे कोई कहे कि वो तो ठीक है, अब ये बताओ फिर किसी चीज का वी लीटर अगर दिया है तो कितना मोल्स बनेगा? तो आप कहोगे कि यार 1/22.7 इंटू वी कर दो, जैसे पहले किया। इज इट लाइक ओ माई गॉड सो मुश्किल? नो जी, दिस इज तो आई हाई वेरी इजी, है ना? तो देखो यहां पर आई होप आपको ये बात समझ आई कि आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा? वी बाय 22.7। कह दो यस, बोलो जी। मतलब गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम व्हिच इज 22.7 लीटर्स। लीटर नहीं बोलना, ओए लीटर के चक्कर में गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। 22.7 लीटर यानी कि ये वाला वॉल्यूम भी लीटर्स में ही लेना होगा, या फिर इसकी जगह 22.4 लीटर भी लिया जा सकता है। कभी भी आपको मुश्किल आए और दिल घबराए, है ना, कि यार 22.7 यूज करें कि 22.4, ऐसा डिलेमा हो जाता है कभी कभी, है ना। आपने अगर पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो अब मैं इसमें 22.4 यूज करूं कि 22.3 यूज करूं, 7 यूज करूं। तो देखो अगर बार दिया है तो 0.7 यूज करो, ATM दिया है 0.4 यूज करो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन को पढ़िए, जो सही लगता है वो यूज करिए। आप वैसे भी कुछ भी यूज करोगे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि आपके पास 11.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है, इसमें मोल्स कैलकुलेट कर कर बताओ। आपको क्या लगता है इसमें क्या लेना ज्यादा कंफर्टेबल है, क्या ज्यादा बेटर है? तो इसमें ऑब्वियसली 22.4 लीटर अगर लिया जाए तो बेटर है, क्योंकि 11.2 और ये हाफ 11.2 इंटू 2 इज 22.4 लीटर्स, तो ये 0.5 निकल कर आएगा। वैसे आप ना हमेशा के लिए बाय डिफॉल्ट 22.4 लीटर ही ले लो, आपका आंसर हमेशा सही निकल कर आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ? 0.5, इतना सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब आपसे हम कुछ क्वेश्चंस करा लेते हैं। ये देखिए सामने आपके कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए, नंबर 2 इज रेडी फॉर यू, एंड देन वी हैव नंबर 3। ये तीन क्वेश्चंस का अगर आप आंसर सही दे देते हैं तो भाई वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। लेट मी सी कौन कौन है हमारे साथ जो मुझे एकदम सही आंसर देने के लिए रेडी है फॉर ऑल दीज थ्री पार्ट्स। कम ऑन क्विकली यार, अभी तो 1 आवर भी नहीं हुआ। ओहो, पता है मैंने ऐसे सोचा था कि हम ना पूरा 90 मिनट्स का क्लास लेंगे, ठीक है, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है, वास्तव में काफी कुछ पढ़ सकते हैं। वैसे भी देखो यार कल अपनी क्लास नहीं हो पाई है ना, हालांकि अभी मैंने और बाकी के सारे दिन के सेशंस आपके स्केड्यूल करा दिए हैं, तो देखो अभी लेक्चर 3 और 4 पहले ही दिख रहा है आप लोग को, है ना। तो कल भी होगा, परसों भी होगा, एंड वी विल बी डन विद मोर कॉन्सेप्ट। आज भी अच्छा खासा पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? 0.5? अरे अरे 0.5 नहीं आएगा। अरे भाई तुम लोग तो बहुत ही बुद्धू हो यार, 0.5 कैसे हो? तो इसमें तो आपकी पिटाई बनती है, इतना सिंपल मैथ है ये। अच्छा आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आज के सेशन में आवाज कैसा था? क्योंकि एक माइक ये है, एक माइक मैंने लगाया, अब मैं नहीं जानती हूँ कि है ना। 0.05, परफेक्ट। देखिए यार वैसे भी आप ऐसे मत बोलना कि यार मैम इतना देर तक मत पढ़ाओ, मैम हम तक जाते हैं। अपना थोड़ा बढ़ाइए, थ्रेशोल्ड बढ़ाइए, है ना, आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस कैसे फिनिश होगा? केमिस्ट्री तो बहुत बड़ा है ना, पूरा केमिस्ट्री कांक्षा मैम से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको ऐसा ज़्यादा टाइम तो देना ही होगा ना। हमें ऑर्गेनिक भी करना है, इनऑर्गेनिक भी करना है, फिजिकल भी करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल 1.5 आवर की क्लास लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा ऐसा बीच में बात भी तो करते हैं हम, तो आप लोग को ऐसा भी नहीं लगेगा। चलो यार अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय आपका जो भी स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, विच इज 22.4 लीटर।
गिवन वॉल्यूम इधर कितना है 1.12 लीटर है, कितना है 1.12 लीटर। आप इसको डिवाइड करेंगे किससे, 22.4 लीटर से, आपके पास निकल कर आएगा 0.05। ठीक है, सो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स हुआ। नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोल रहे हैं कि 2 to 4 ml CO2 है आपके पास एट STP। तो यार नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन वॉल्यूम जितना है विच इज 2 to 4 ml, और स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होता है 22.4, बट वेन लीटर्स में, लीटर में तो आप नहीं ले पाओगे, या तो न्यूमरेटर का यूनिट चेंज करना पड़ेगा या डिनोमिनेटर का। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 liter इज इक्वल टू 1000 ml होता है, तो यहाँ पर अगर मैं 22.4 में 1000 से मल्टीप्लाई करती हूँ मेरे पास 22400 ml आएगा, है ना यार। तो आप लोगों का ये ml से ml कैंसिल हुआ, तो कितना बच जाएगा आपके पास, बोलो जी क्या कितना आएगा ये, बस दिस इज योर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, लास्ट पार्ट में बताइए किस किसने, एक बारी बताना मुझे, यहां पर देखिए क्या लिखा है, ऐसे लिखा है कि 112 ml किसका, H2O का एट STP। अब बहुत प्यारे मासूम स्टूडेंट्स होंगे, है ना, इतना मासूमियत के साथ एकदम बहुत ऐसा आराम से उन्होंने पता है क्या क्या होगा, मैम नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 112 ml डिवाइडेड बाय 22400 ml, क्योंकि मैम देखो आपने यूनिट भी चेंज कर दिया, अब तो बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। तो बेटा जी आपने अगर ऐसे किया है आपका आंसर एब्सोल्युटली गलत, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आहा मैम रॉन्ग कैसे आएगी, क्योंकि देखिए आप ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो यार नंबर ऑफ मतलब वॉल्यूम वाला, ये जो आप कह रहे हो कि आपका जो नंबर ऑफ मोल्स होता है दैट इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय आपका स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 लीटर, ये किसके ऊपर वैलिड है बताना, सच्ची बताओ, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया ना, गलत है यार वो, क्योंकि ये तो गैसेस के ऊपर वैलिड है ना, ये फॉर्मूला कहाँ से निकल कर आया, आइडियल गैस इक्वेशन से, तो ये तो फॉर्मूला ही गैसेस के ऊपर वैलिड है। और ये जो पानी होता है, पानी STP बोले तो 0 degree Celsius, 0 degree Celsius पर पानी ऐसा हवा में होता है, हाँ गैशियस फेज में होता है, सोचना एक बार, 0 degree Celsius तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है ना, आइस बन जाता है पानी, तो बेटा 0 degree Celsius पर तो गैस तो है नहीं आपके पास वाटर का, वेपर फॉर्म में होता, गैशियस फेज में होता वाटर, तो आप ऐसा कर सकते थे, यानी कि 100 degree Celsius से अगर ज्यादा टेम्परेचर होता आपका तब ये फॉर्मूला यूज हो पाता, पर यहां नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि गैस तो है नहीं और फॉर्मूला हमने गैस अज्यूम कर ड्राइव किया है, तो यहां ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यहां पर आपको क्या करना था कि क्योंकि आपके पास क्या दिया है, 112 ml ऑफ वाटर दिया है। अब मेरे को एक बात बताया, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो ऐसा प्यारे प्यारे, अपने जब आपका बचपन था तब आप जब आप मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा ध्यान रखिएगा कितना होता है, 1 gram per ml होता है, ये कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं है ध्यान रखने के लिए, अब 1 तो कोई भी ध्यान रख सकता है भाई, पानी का डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है आप जानते हैं 1 gram per ml होता है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो भाई मास तो ग्राम में होगा, वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा, तो डेंसिटी बिकम्स 1 gram per ml, अंडरस्टूड, डेंसिटी कितना हो जाएगा, 1 gram per ml हो जाएगा। अभी क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया है, 112 ml ऑफ वाटर दिया है, कितना दिया है, 112 ml ऑफ वाटर दिया है, तो आप खुद बताइए अगर आप डेंसिटी ऑलरेडी जानते हैं और यहाँ पर ऐसा मास बाय 112 आप कर दें अगर, ठीक है, ग्राम सॉरी ml है ना, और यहां पर अगर आपके पास डेंसिटी में आपके पास क्या आ जाए, 1 gram per ml आ जाए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे जब दोनों को, तो मास कितना निकल कर आएगा, 112 gram निकल कर आएगा कि नहीं, कितना निकल कर आएगा, वी विल हैव 112 gram, तो भाई मास आ गया आपके पास, दिस इज तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन नाउ, सिंस वी हैव द मास ऑफ वाटर विच इज 112 gram एंड यू ऑल्सो नो द मोलर मास फॉर वाटर विच इज 18 grams, सो वेन यू डिवाइड द टू दैट मीन्स वेन यू कैलकुलेट योर नंबर ऑफ मोल्स यूजिंग द फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास विच इज 18 बाय 112 यू हैव योर आंसर, है ना, आंसर आ जाएगा। ओहो क्या हो गया, ऐसा किसको लगा, बताओ बताओ बताओ, किसके होश हो गए, ये बताओ बस, होश तो नहीं उड़ गए आपके, हेलो हेलो, सिंपल सिंपल बात की वैसे तो हमने, पर पता नहीं, अरे 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 112 upon ये आएगा ना 18, गिवन मास बाय मोलर मास होता है, ठीक है, 112 by 18 विच इज 6.23, नंबर ऑफ मोल्स विल बी 6.23। अब बताओ दोबारा बताएं कि समझ आया,
इसी के साथ जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ ये सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेक श्योर इफ यू फील कि आपका हेल्प हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा भी आ रहा है, देन यू हैव श्योरली हिट द लाइक बटन एंड यू हैव सब्सक्राइब द चैनल। दोबारा बता देते हैं, है ना मैम, एक बार और बता दो थोड़ा सा ना, ऐसा आया 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 जो जो आपने बोला, और फिर थोड़ा सा ऐसा ऊपर से चला गया, है ना। चलिए तो दोबारा बता रहे, सुनिएगा ध्यान से। देखो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारे पास 112 ml H2O है एट STP, 112 ml पानी दिया है STP पर, हमें बताइए कि उसके अंदर मोल्स कितने हैं। तो हमने सोचा वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं क्योंकि एकदम वाइट क्लिक करता है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। बहुत बच्चों ने ऐसा किया होगा कि गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पर आप सोचिए ये फॉर्मूला भाई कैसे फाइंड आउट किया था, अभी तो पीछे तुमने फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूला कैसे बना था, जब आपने आइडियल गैस इक्वेशन PV=nRT यूज किया था, वहां से आया था आपके पास ये फॉर्मूला कि 1 मोल में 22.4 लीटर होता है तो इतने में इतना होगा, उतने में इतना होगा, है ना। तो वहां से ये गैस की बात हुई थी तब आपके पास ये फॉर्मूला निकल कर आया था, बट अभी तो आप गैस की बात कर ही नहीं रहे हो, कैसे पता चल रहा है गैस नहीं है, क्योंकि पानी दिया है, पानी 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 एवरीवेयर, ब्लू है वाटर, ये तो सबने देखा है, पानी नहीं देखा आपने, 0 degree Celsius, बच्चे बच्चे जानते हैं कि 0 degree Celsius फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, पानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फेज में कोई ना रहेगा। तो जब जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो गैस फेज में ही नहीं है तो उसके ऊपर तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये नहीं यूज कर पाएंगे आप, क्योंकि ये गैसेस के लिए होता है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू गैसेस, बट सिंस पानी यहाँ गैसियस फेज में नहीं है तो कुछ और करना पड़ेगा। आप कुछ और क्या करें, तो आप जानते हो कि आपके पास जो वाटर होता है, वाटर छोड़ो, नॉर्मल जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, गिवन मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी यार, ठीक है। अच्छा अब पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 g/mL होती है, ये मैंने आपको कहा था कि इसको ध्यान रखिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 g/mL, बहुत सिंपल, अरे O-N-E-1, एक, इसको भी ध्यान रखना मुश्किल है, हाँ स्टैंडर्ड वैल्यू 1 ये तो कर सकते हो यार, और यूनिट g/mL, 1 g/mL डेंसिटी ऑफ वाटर हुआ। तो यहां से आपने क्या किया, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम है, क्योंकि आपके पास डेंसिटी है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम होता है, आपने मास कैलकुलेट कर लिया, मास हमारे पास कितना आया, 112 g आया, बस नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। अगर मैं आपको ऐसा देती कि यार बेटा आपके पास 112 g ऑफ वॉटर है ना, आप नंबर ऑफ मोल्स बताओ कैसे करते, 112/18 ऐसा ही तो करते आप कि नहीं, यस मैम, बस फिर क्या दिक्कत है, 6.23 आएगा, दैट्स इट, माय गॉड, अभी भी मुश्किल, अब तो कह दो कि आया मैम, बोलो जी क्लास ओवर नहीं हुआ है अभी, इस भ्रम में मत रहिए कि क्लास ओवर होने वाला है या हो गया, ठीक है, और पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा, और फिर आपको स्पेशल जूम मीटिंग में मिलेंगे, जूम मीटिंग, ठीक है, थोड़ा और पढ़ते हैं बाकी फिर कल आएंगे, है ना। चलो जी अब आ गया, आहा अब आया, ओए तो दो बार बोला जाए तो आ जाता है ना, ठीक है। अच्छा एक बार ही कंक्लूड करें, बड़ा मजा आएगा, देखो ये वाला फ्लो चार्ट आप लोग भी बनाना अपने पास, दिख रहा है ना, हाँ जी दिख ही रहा है, इसको अपने पास आप लोग भी बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको इसको देखने में। इनफैक्ट आज जितना पढ़ाई किया है ना सब कुछ आपके सामने ही स्लाइड, जितना अभी तक हमने पढ़ाई किया है सब कुछ यहाँ सामने लिखा है, देखिए कैसे हमने सीखा कि यार ये जो अपना मोल होता है, मोल कैलकुलेट करने के लिए वी हैव ये तीन मेथड्स, मास से कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से कर सकते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से कर सकते हो। तो देखिए पहला जो आपका पार्ट है वो क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास मास गिवन है, देखो एरो का साइन देखिए इधर ऐसे बोल रहा है, मतलब मास है, मोल्स कैलकुलेट करना है, तो मास को आप मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ जाएंगे। वहीं अगर आपके पास मोल्स है और आपको मास कैलकुलेट करना है, क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है, आप मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास मास निकल कर आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, क्या करने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, आप यहां पर Na यानी कि अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड देम बाय Na व्हिच इज अवोगाड्रो नंबर, यू विल हैव द नंबर ऑफ मोल्स, एंड वेरी सिमिलरली मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अवोगाड्रो नंबर से, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। जूम करते हैं, जूम 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 बाबा,
है ना, ये रहे जूम, मिस्टर जूम, जूम पर हम मिलेंगे अभी अभी थोड़ी देर बाद, ऐसा वी विल हैव अ स्मॉल काउंसलिंग सेशन, ये की मैं बात कर रही हूँ। और फिर आखिरी वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम और मोल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए अगर आपको वॉल्यूम गिवन है और मोल्स कैलकुलेट करना है तो मैम 22.4 लीटर या फिर 22.7 लीटर से आपको डिवाइड करना है, किसको, वॉल्यूम को। और अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है मोल्स गिवन है तो या तो 22.4 लीटर या फिर 22.7 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कह दो यस मैम, कह दो प्लीज। देखो आज की क्लास में यही तो पढ़ा हमने, है ना, इंटरेस्टिंग, मजेदार है ना। देखो पूरा एक साथ मैंने समराइज कर दिया आपके लिए। सो दिस इज द फ्लो चार्ट दैट वी हैव, ये पढ़ाई किया है हमने आज के क्लास में। कह दो कि आ गया मैम समझ, है ना यार, ठीक है। इधर से मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इधर आपका ये आ गया, कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे एंड आई फील कि ये बस आखिरी ही है ऑलमोस्ट। चलो इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे, क्या दिख रहा है आपको सामने। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम CO2 एट 1 atm एंड 273 यानी कि 273 केल्विन। कम ऑन क्विक, बोलो जी कितना होगा, कितना होगा, क्या लगता है आपको, क्या ख्याल है आपका। ओ गॉड, रुक जाओ बताइए, इज इट लाइक मुश्किल। हाँ जी हाँ जी, 18 नीचे आएगा, मैंने ऊपर लिख दिया क्या, किधर है, 18 नीचे ही तो है। ओए हेलो, कौन है, हालांकि मैंने पहले लिखा था, कौन है, जो भी है आप तो अब बहुत ऊपर जा चुके हैं, ऊपर मतलब चैट में है ना, तो आप देखा नहीं, देख नहीं पाएंगे आपको, पर क्वेश्चन का आंसर बताइए। फोर पॉइंट फोर एट, पक्का पक्का एकदम लॉक किया जाए, हाँ वेरी श्योर, ठीक है। देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे, यहां आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम CO2 एट 1 atm एंड 273 केल्विन, वेरी सिंपल। देखिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम का रिलेशन अगर आपको ध्यान है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 atm अगर दिया है तो 22.4 लीटर्स आ जाएगा यार, है ना। और यहां पर आपको ये वी कैलकुलेट करना है, बट द प्रॉब्लम हियर इज दैट आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं गिवन है, कोई बात नहीं आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि आपको 8.8 ग्राम तो दिया है उन्होंने, तो गिवन मास बाय मोलर मास कितना बनेगा CO2 का, 44 बनेगा। कैसे, देखो कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 into 2, 32 प्लस 12, 44 ही तो होता है, हाँ जी, तो 44 आया है यहाँ पर, तो 8.8 बाय 44 विल बी इक्वल टू 0.2, तो 0.2 नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हुआ। और यहां से आप लोग ऐसा वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाएंगे, कैसे मैम, अरे मैम अब तो सिंपल है यार, ये देखो 0.2 यहाँ पर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, वी इज इक्वल टू हाउ मच, 4.48 लीटर। अरे बाश शाबाश, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही तो आंसर दिया था, है ना, परफेक्ट, 4.48 लीटर इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, आगे आगे थोड़ा आगे, है ना, ठीक है। अब बड़ी इजी सी बात सिखाते हैं आपको, बहुत सिंपल, जो हर स्टूडेंट जानता है, फिर इसके बाद कल मिलेंगे, है ना, आपने आप लिखते हैं, बड़ा मजा आएगा, जो सब जानते भी मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर बस सीधा हम मिलेंगे आपके जूम सेशन, करेक्ट। आई होप आप सबने फॉर्म फिल किया है ना, ये जो यहाँ पर फॉर्म का लिंक पिन हुआ है, आई होप आप सबने उसको फिल कर दिया है। चलो यार आगे बढ़ते हैं, देखो अगर कोई भी एलिमेंट x है, x बोले तो x, ठीक है, x बोले तो कोई भी एलिमेंट, हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कुछ भी, तो अगर कोई भी एक एलिमेंट है तो पता है उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, यहाँ सबस्क्रिप्ट, ऐसा नीचे किसी अल्फाबेट के ऐसा बॉटम में कुछ लिखते हैं उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, तो सबस्क्रिप्ट में हम उसका क्या लिखते हैं, जेड वैल्यू लिखते हैं, जहां पर जेड स्टैंड फॉर इट्स अटोमिक नंबर। जेड किसके लिए स्टैंड करता है, अटोमिक नंबर के लिए, जैसे कि अब कार्बन है तो यहां मैं क्या लिखूंगी, सिक्स, सिक्स बोले तो कार्बन का अटोमिक नंबर। फिर सुपर स्क्रिप्ट में आपके पास यहां पर क्या आता है, ए वैल्यू आता है, जहां पर दिस ए स्टैंड फॉर मास नंबर, किस क्या मतलब है, एक का मतलब होता है मास नंबर, जैसे कि कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, करेक्ट, इतनी बात आपको क्लियर होगी। फिर इसके बाद किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर,
किसी भी न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल बोले तो यार जिस पर कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस का कोई सीन नहीं है, न्यूट्रल है जो लाइफ में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम बोलते हैं। अब न्यूट्रल एटम जो आपका होता है उसके अंदर अगर आप किसकी बात करते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ न्यूट्रल एटम विल बी इक्वल टू इट्स जेड वैल्यू विच विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि अगर आपके पास कोई एक एटम न्यूट्रल है, ठीक है, कोई एक एटम अगर आपके पास न्यूट्रल है तो जितना उसका Z वैल्यू होगा उतना ही उसका नंबर, उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। बहुत बेसिक बात है, पता है ना ऐसा क्यों होता है ना, है ना, सोचिए जरा, कल की क्लास से आने में आने से पहले सोचिएगा, हालांकि एकदम सिंपल बात है। अच्छा इसका मतलब, अच्छा चलो एक बात बताओ फिर छुट्टी करते हैं आपकी, तुम लोग थक गए हो, है ना। कार्बन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन सिक्स, मेरे को बताओ यहाँ पर इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, बस इतना बता दो प्लीज, कम ऑन, बोलो जी, बोलो बोलो। हाँ क्योंकि ये न्यूट्रल है मैम, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही सिक्स होंगे, है ना। अच्छा अगर मैं आपको कहूँ सी माइनस है, लेट्स से वी हैव दिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना प्रोटॉन है, तो देखिए यहाँ प्रोटॉन तो अभी भी सिक्स ही होगा, है ना, प्रोटॉन नहीं बदलता है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव कैसे आए, बाहर से कोई नेगेटिव चीज आएगी, नेगेटिव चीज कौन आएगी, इलेक्ट्रॉन आएगा, तो बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेकर और वो इसको नेगेटिवली चार्ज बना दे रहा है, तो इसके अंदर होना तो सिक्स चाहिए था, हैड इट बीन न्यूट्रल, बट सिंस इट इज नॉट न्यूट्रल एंड हैज अ नेगेटिव चार्ज देयरफॉर प्लस वन हो जाएगा, तो सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन, इतना इलेक्ट्रॉन्स इसमें हुए। बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत बच्चे स्टिल ये भी नहीं समझ पाते हैं, स्पेशली जिनका ऐसा 10th टू 11th मूविंग स्टूडेंट्स है, तो मैं हर चीज कोशिश करती हूँ कि इलेबोरेट किया जाए सो दैट कहीं भी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन नहीं बचे। बाकी हम लोग आपका कल मिलेंगे वापस से, है ना, कल मिलेंगे वापस से रात 8 बजे और यही मोर कॉन्सेप्ट का सिलसिला आगे बढ़ेगा, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। कोड यूज कीजिएगा AK लाइव, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, आकांक्षा नाम कर रही है आपका इंतजार, कहाँ पर, ब्रह्मास्त्र बैच में, ये देखिए यहाँ पर, तो बैच आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हालांकि मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया अभी यहाँ पर, आज सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास था, कल आखिरी दिन है 20% ऑफ का, आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, मेक द मोस्ट ऑफ इट, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए। मैं जानती हूँ आपको बाद में रियलाइज होगा कि यही बेस्ट है कि किसी के गाइडेंस के अंदर पढ़ा जाए, लेकिन टाइमली डिसीजन लेना है, सही टाइम पर आप साथ में जुड़िए, और गो विद आइकॉनिक, कोई भी दिक्कत है तो ये नंबर दिया है स्क्रीनशॉट लेकर इस पर कॉल कर सकते हो कहीं दिक्कत आए अगर आपको। दैट वाज ऑल, मेक श्योर यू ऑल हैव हिट द लाइक बटन, एंड अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें यार, इनफैक्ट जैसा भी लग रहा है ना, सो दैट मैम भी आपको थोड़ा समझ पाए, और मेरे को भी अच्छा लगता है जब आप इंटरैक्ट करते हैं तो आप बता सकते हैं कि आपकी और कैसे मदद हो सकती है और क्या किया जा सकता है या आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। टेलीग्राम आकांक्षा कर्णवाल पर आपको ये PDF मिल जाएगा, उसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जितना लिखा है वो सब कुछ आपको मिलेगा। और अभी इसलिए आपका छुट्टी किया जा रहा है क्योंकि वी हैव दिस सेशन, अरे अरे खोलो यार, हाँ जी, तो देखो ये आपका सेशन है, काउंसलिंग सेशन है अभी आपका जूम पर, लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वहां पर आइए, 10 बजे मिलते हैं हम लोग और बातें करते हैं, और बातें मतलब आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं और उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए दैट वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टाटा, गुड नाइट, बाकी गुड नाइट हम करते हैं आपका जूम सेशन में भी, सो थैंक यू, बाय।